हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिलों में एक सवाल आ रहा है कि मैम बिहार स्टेट का पेपर कब होगा, दूसरा हमें कितने नंबर चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दो चार इंपॉर्टेंट बातें बता दूं जिसको लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो आजकल कन्फ्यूज चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप सब जानते हो कि आपका जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का, 150 नंबर का। और ये जो एग्जाम है ये हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। ये एग्जाम कैसा पेपर है हमारा क्वालिफाइंग, कहने का मतलब हमें बस इसके अंदर पास होना है। क्वालिफाई हम लोग कर देंगे, जैसे हम लोग क्वालिफाई करेंगे हम लोगों को एक रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप टीआरई को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, चलो अब बात करते हैं कि मैम कट ऑफ कितनी रहेगी। कहानी क्या है, आप सब जानते हो कि आपका जो पेपर है वो दो सेट के अंदर आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्ट ए में कितने नंबर हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता पार्ट बी में कितने नंबर है, आपको ओवरऑल पास होना है। ऐसा नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि यार पार्ट बी में इतने नंबर चाहिए पार्ट ए में इतने नंबर चाहिए, नहीं। वो कहते हैं पार्ट ए और पार्ट बी के नंबरों को मिला के मेरे भाई बस पास हो जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पास हो जाते हो तो टीआरई के अंदर जाके फटाफट से अप्लाई करो, समझ गए बात। तो आपका पेपर 150 नंबर का होने वाला है, 150 मार्क्स। अब इस 150 मार्क्स में से मैम हमें कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए, चलो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं बात करूँ सामान्य की, सामान्य वर्ग की, सामान्य वर्ग को 50% नंबर चाहिए, कहने का मतलब लगभग 75 मार्क्स चाहिए जो आपके सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पिछड़े वर्ग की बात करें तो इनको 45.5% चाहिए, 45.5% आपका लगभग 68.25 यानी कि 69 नंबर आएगा, 69 मार्क्स चाहिए कौन से स्टूडेंट को, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं उनको चाहिए 42.5% नंबर, यानी कि उनका जो नंबर है उनको चाहिए 64 मार्क्स क्या होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अनुजाति हैं मेरे दोस्तों, आपके अनुजातियों को 40% चाहिए यानी कि 60 नंबर आ गए अगर 150 में से, पेपर क्वालिफाई। जैसे ही पेपर क्वालिफाई फटाफट से टीआरई में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हार्ड कॉपी थोड़ी सी लेट आती है, सॉफ्ट कॉपी आपको पहले ही मिल जाती है, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ दिव्यांग, दिव्यांगों को भी 40% चाहिए यानी कि 60 मार्क्स दिव्यांगों को चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और महिलाएं, कौन सी महिलाएं, बिहार की महिलाएं, इन्हें भी मेरे दोस्तों 60 नंबर चाहिए यानी कि 40% जिसपे ये अपने बीएसटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। ये क्वालिफाइंग पेपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके नंबर ज्यादा है किसके नंबर कम है, ना तो मेधा सूची आने वाले, कोई मेरिट लिस्ट का चक्कर नहीं है। आप सोचो कि मैं तो 150 में से 150 लेके टॉप करूंगा, टॉप वाला सिस्टम नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको क्वालिफाई पेपर को करा, अच्छे नंबर से क्वालिफाई होता है वेल एंड गुड है, बस पास होने चाहिए, ठप्पा लगना चाहिए कि भाई आप हो गए हैं पास। 150 मार्क्स में से सामान्य वर्ग को चाहिए 75 नंबर, इतनी तैयारी करो भाई कि 75 नंबर ले पाओ। पिछड़े वर्ग को चाहिए 69 नंबर, अत्यंत पिछड़े वर्ग को चाहिए 64 नंबर, बाकी अनुजाति दिव्यांग महिला सबको 60 नंबर चाहिए और 60 नंबर पर वो बीएसटेट के अंदर क्वालिफाई गिनी जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई सबको। दूसरा सवाल, मैम पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, ये तो रोज चलते फिरते मुझसे सब पूछ रहे हैं कि पेपर कब होगा। देखो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऐसा कहा गया था कि 1 मार्च से आपका पेपर लेना स्टार्ट होगा और 20 मार्च तक आपके पेपर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर उस हिसाब से 1 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट होंगे और 20 मार्च तक आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग दिनों के अंदर आपके पेपर होंगे और 20 मार्च तक आपके पेपर डन कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम क्या मैं टीआरई 3.0 अभी दे सकता हूँ? दोस्तों टीआरई 3.0 देने की जो डेट है फॉर्म फिलिंग की, आखिरी डेट है 23 फरवरी। 23 फरवरी तक बीएसटेट क्वालिफाई होता तब आप दे पाते, अभी तो पेपर ही मार्च में होगा तो ये कब क्वालिफाई होगा और कब आप पेपर दोगे, ये बात तो आप समझ गए, ठीक है, मुश्किल है। आप लोगों के लिए टीआरई 4.0 है, टीआरई 3.0 तो आपके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना था, वो नहीं किया तो बोल दिया कि चलो हम सप्लीमेंट्री एग्जाम ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम है टीआरई 3.0। टीआरई 4.0 आपका पेपर है जो कि अगस्त में होगा, तो भैया अगस्त में टीआरई 4.0 मिस ना हो, इसलिए आप लोग इस एग्जाम को जितनी जल्दी हो सके क्वालिफाई करो, इसी बार इस एग्जाम को निकालो। मार्च में पेपर होगा 1 से लेकर 20 तारीख तक और सबको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, नंबर ज्यादा नहीं यार, 150 में से 75 लेने, और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि बी सेक्शन में लेने हैं या ए में इतने लेने, दोनों के मिला के 75 होने चाहिए, बात खत्म। सामान्य के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए तो और कम है, 69 नंबर,
अत्यंत के लिए तो और कम है 64 नंबर, और महिलाओं की तो ऐसी होगी दोस्तों 60 नंबर पर पेपर आपका क्वालिफाई होगा, दिव्यांग का भी 60 पर क्वालिफाई होगा। इसीलिए मेहनत कर लो, मैं आपको ये नंबरों की संख्या इसलिए बताने आई हूँ ताकि आपको पता हो कि भैया मुझे इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर की इतनी तैयारी मुझे करनी ही पड़ेगी, समझे। आप सब लोग सेशंस के अंदर जुड़ो, क्लासेस को देखो, पढ़ो, मेहनत करो, सब लोग बीएसटेट को क्वालिफाई करो और टीआरई 4.0 की तैयारी फटाफट से शुरू करो, क्योंकि अगस्त में टीआरई 4.0 आएगा और हम लोगों को उसको 101% क्वालिफाई करना है। आई होप सभी लोगों के इस वीडियो के माध्यम से जो भी दिल के अंदर डाउट्स थे सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। तो ऐसी शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तो सब मोटिवेटेड रहो, मेहनत करो और जितनी जल्दी हो सके अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करो मेरे दोस्तों। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, टेस्ट बुक आपके साथ हमेशा है आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाने के लिए।